कुछ ज़रूरी अनमोल टिप्स। नंबर वन, सुबह के कामों की आबाधापी में नाश्ता इग्नोर ना करें, नाश्ता ज़रूरी होता है। अगर जूते पहनने की वजह से आपके पाँव पर धब्बे हो गए हैं तो इसके लिए 4 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक बॉटल में भर लें और हर सुबह पैर धुलने के बाद अपने पैरों पर मालिश करें, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। याद रहे, हमें कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसानदायक है। अगर हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होती हो तो हर रात को 1 ग्लास गर्म दूध पीना चाहिए और मखाने रोस्ट करके मुट्ठी भर मखाने ज़रूर खाने चाहिए। जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और ख़ासकर जलेबी ठंड में खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। भैंस का कच्चा दूध पीने से कमर दर्द की परेशानी कभी नहीं होती, अगर होती है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए भुना हुआ अजवाइन सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से ज़रूर पीना चाहिए। आंवला, गाजर और चुकंदर, इनका जूस पीने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और हफ्ते में एक बार इनका जूस ज़रूर पीना चाहिए। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए रोज़ रात को 4 बादाम की गिरी भिगो कर रख दीजिए और सुबह उनका छिलका उतार कर खा लीजिए। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाएं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इससे हमारा चेहरा चमकदार बनता है और मुलायम बनता है। बालों को गर्म पानी से धोने से बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और जब आप गीले बालों को में कंघी करते हैं तो आपके बाल टूटते हैं। चाय के साथ हल्दी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द होता है तो वहाँ पर अदरक का रस लगाएं जहाँ पर दर्द होता है, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।